नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। राजस्थान के कोटा में नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में है। इस दौरान कोटा आईजी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद पुलिस ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद डोटासरा, भजनलाल सरकार और आईजी पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आईजी पर हमला करते हुए बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मुकदमा दर्ज कर उन्हें डराना चाहती है, लेकिन वे डरने वाले नहीं हैं। तो वहीं बाड़मेर जैसलमेर से सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है, नीट पेपर लीक और जनता के मुद्दों को लेकर कोटा में विरोध प्रदर्शन करने पर नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में जनता को विरोध करने का पूरा अधिकार है, ऐसी कार्रवाई से डराया नहीं जा सकता। कांग्रेस एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेगी। सुनिए क्या कुछ कहा सांसद उमेदाराम बेनीवाल। राम राम, नमस्कार साथियों। कोटा के अंदर जो लोकतांत्रिक तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा नीट परीक्षा को लेकर जो विरोध प्रदर्शन था, उसके साथ साथ अनेक प्रकार की किसानों की संबंधित समस्याओं को लेकर जो शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन किया था, उसके खिलाफ कल जो कोटा थाने के अंदर इन नेताओं के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है, वो बिल्कुल सरासर गलत है और ये लोकतंत्र की हत्या है। और राजस्थान के अंदर पर्ची सरकार पिछले काफ़ी समय से ठीक ढंग से काम कर नहीं रही है, हर तरीके से हर मोर्चे पर सरकार विफल रही है और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना लोकतंत्र के अंदर अधिकार है, हक है। और इस तरीके से मुकदमा दर्ज करके डराया नहीं जा सकता और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर इन अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेगी। जो भी जन विरोधी नीतियाँ जो बीजेपी सरकार लेके आई है और जो भर्ती घोटाले हो रहे हैं, हर मोर्चे पर सरकार विफल है, उसका मजबूती से लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा। इन मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं, मजबूती के साथ संघर्ष करेंगे और किसी भी सूरत में लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, इन लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।